हाउसिंग बोर्ड भिलाई गुरुद्वारे में सिख समाज ने आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति से दूर हो रहे समाज के नौनिहालों को अपनी धार्मिक संस्कृति विरासत से जोड़े रखने के उद्देश्य से अनोखा 3 दिवसीय निःशुल्क आवासीय सिख विसरा समर कैंप का आयोजन किया है। गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एवं गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के संयुक्त तत्वावधान में 12 मई से 14 मई तक 3 दिवसीय आवासीय एक अनोखे समर कैंप का आयोजन सिख विसरा कैंप के नाम से किया जा रहा है। इसमें भिलाई दुर्ग के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों से भी बच्चे शामिल हुए हैं। यह समर कैंप बिल्कुल निःशुल्क है। इस समर कैंप के लिए बच्चों के पंजीयन होने के पश्चात सभी बच्चों की पहचान परिचय पत्र से की जाएगी। अपने विसरे की पहचान करने वाले इस सिख विसरा कैंप में प्रशिक्षण देने हेतु भारत के विभिन्न शहरों से प्रशिक्षक आए हुए हैं, जिसमें प्रशिक्षक वीर गुरविंदर सिंह जी आसनसोल से, वीर बलविंदर पाल सिंह जी लखनऊ से, वीर सुरेंद्र पाल सिंह जी भोपाल से तथा लुधियाना से 50 वर्ष पूर्व 1972 में संस्कृति को सहेजने वाले समूह गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के संस्थापक मनमोहन सिंह सेनानी जी एवं छत्तीसगढ़ राज्य एवं सेंट्रल इंडिया के प्रभारी भी 3 दिन हाउसिंग बोर्ड गुरुद्वारे में उपस्थित रहेंगे। इस संस्था द्वारा लगभग इस वर्ष भी 100 से अधिक कैंप देश भर में लगाए जाएंगे। आयोजित कैंप में बालक बालिकाओं के रहने की व्यवस्था एवं भोजन चाय नाश्ते की व्यवस्था भी गुरुद्वारा कमेटी की ओर से की गई है। इस समर कैंप में उपस्थित हुए बच्चे बहुत ही स्थिरता के साथ अपने गुरुओं की गाथा सुन रहे हैं और अपने धर्म का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इस आयोजन की जानकारी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एवं प्रशिक्षकों ने न्यूज टीम को दी है। तो मौजूद एक बच्चा आगे कहता है, वीर जी इस पंक्ति का अर्थ मैंने आ गया। मैं कहा कि कहता सुख दुख सिमरी। ओ मौजूद मेरे वीरों, ये भी अरदास करो कि भी तुम सोच जी आए अपने आप नहीं आए। अरदास करिए भी गुरु पातशाह जी ता बहुत बहुत धन। सिख ता ही है जो तो गुरु की सिख्या के ऊपर चलेगा, सिख्या मनेगा, गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मनेगा, उस दिन सिख है। अजे नहीं मन रहा तो भुलेखा दिमाग को खड़ देिए, एवं ना चौधरी बने जाइए भी आए सिख। ये सिख हमारी संस्था 1972 से अभी तक 50 साल हमने पूरे कर लिए हैं। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हम यूनेस्को के पार्टनर्स हैं और हमारा मेन टारगेट नौजवान और बच्चों के अंदर गुरमत का प्रचार करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे गुरुद्वारों के माध्यम से कैंप्स हों, चाहे गुरमत क्यारियाँ हों, चाहे उसके लिए हमें मेडिकल कैंप्स लगाने पड़े। ये हमारे टोटल 8 डायरेक्टर में से हमारे 52 डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं और इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनेस्को की पार्टनर है। हाउसिंग बोर्ड गुरुद्वारे में 12, 13 और 14 मई 2023 को सिख विरसा कैंप लगाया गया है। ये विरसा कैंप जो है अपने नौजवान बच्चों को 10 साल से लेकर 25 साल के बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें हमने धार्मिक शिक्षाओं के अलावा उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनके कैरियर गाइडेंस की क्लासेस भी साथ में चल रही हैं, जिसके लिए बरजिंदर पाल सिंह जी लखनऊ से, गुरविंदर सिंह जी आसनसोल वेस्ट बंगाल से, सुरेंद्र पाल सिंह भोपाल से, अजमेर सिंह जी नागपुर से, सतविंदर कौर नागपुर से, ये अलग अलग फैकल्टीज बाहर बाहर से आई हैं जो विद्यार्थियों से क्लासेस लेके वर्कशॉप्स करके उनको गुरमत की शिक्षाएं दे रही हैं। इसके साथ शाम के समय सिख मार्शल आर्ट गतके का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो साल भर इस क्लासेस को अटेंड कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जी कैंप लग्या हुआ है अपना 3 दिन का, 12, 13, 14। ये बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ये गुरबाणी बारे दसिया जाता है, तो गुरबाणी किदा ग्रहण करनी है वो बारे समझाया जाता है, तो बाकी होर गुरमत विचार बारे सारी जानकारी दी जाती है इन बच्चों। अगे जाके बच्चों ने भविष्य बच्चे तो उन्होंने अपना गए उस हिसाब न जिस हिसाब ना साढ़े तो गुरु सिख सिखा के गए हैं, तो उस बारे सारी जानकारी दी जाती है। बहुत जरूरी है जी, बच्चे अजक इंटरनेट जमाना आ, तो कुछ उस शिक्षा भी मिलती है, कुछ वो ग्रहण करूँ मिलता, कुछ वो अपसैट भी जाती है,
तो उसनू देखते हुए ये कैंप बहुत जरूरी आ। इस बच्चों सिखाया जाता है तो बच्चे उस तरीके दे नाल ही ग्रहण करते हैं जिदा अपने शिक्षक समझाते हैं गुरु सिख। कल से हमने 12 तरीक से स्टार्ट किया है सिख विरसा कैंप। सिख का मतलब है कि सीखना हर समय, हर चाहे बचपन या जवानी या बुढ़ापे तक सिख हमेशा सीखता ही है, कुछ ना कुछ शिक्षा ही लेना है उसको। तो हमने अपनी जो नई पनीरी है बच्चे हैं जो, और 10 साल से लेके 25 साल तक के बच्चे इस कैंप में रखे हैं, जो कि 3 दिन का कैंप है जी। इसके अंदर हमारे बाहर बाहर से बहुत बड़े एक्सपर्ट जो आए हुए हैं, बुद्धिमान सिख जी भी हैं जो दिल्ली से आए हैं, आपका छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से, और 2-3 स्टेट से, शायद मेरे ख्याल यूपी से भी हैं। वो सब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं किस तरीके से सुबह जल्दी उठना है, गुरबाणी का नित्यनेम जो है करना है, शाम को नित्यनेम करना है, रहरा साहब का पाठ करना है शाम के समय, रात में 16 साहब का सोने से पहले 16 साहब का पाठ करना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके बैठना है, गुरुद्वारा साहब के अंदर किस तरीके से एंटर करना है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाती है इसके अंदर में, कि बच्चों को किस तरीके से दस्तार से जाना है, 5 कंकार जो गुरु साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको बख्शे हैं, तो उनको किस तरीके से धारण करना है। आज का युवा वर्ग चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म से विमुख होकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होता जा रहा है और विभिन्न प्रकार के नशे की गिरफ्त में चला जा रहा है, जिसे सुधारने का एक अनूठा प्रयास इस संस्था द्वारा किया जा रहा है और नौनिहालों का धर्म का ज्ञान देकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की राह पर चलने को प्रेरित किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।